हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। बैटरी की चार्जिंग पोजीशन में क्या स्थिति होती है और डिस्चार्जिंग पोजीशन में क्या स्थिति होती है, तो कुछ पॉइंट हमने निकाला है कि पहले हम चार्जिंग स्थिति में देखते हैं। तो पहला यह है कि बैटरी पूर्ण चार्ज होने पर पॉजिटिव प्लेट जो होता है उसका रंग भूरा हो जाता है तथा जो नेगेटिव प्लेट होता है उसका रंग स्लेटी होता है। यानी बैटरी जब पूर्ण चार्ज होती है तो उसमें दो प्रकार के प्लेट लगे होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, जिसको हम कैथोड और एनोड भी कहते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट का रंग जो होता है वो गहरा भूरा हो जाता है और जो नेगेटिव प्लेट होती है उसका रंग स्लेटी कलर का हो जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब उसमें रासायनिक क्रिया होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो रासायनिक क्रिया में जो गंधक का अम्ल बनने के कारण इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। इसमें जब रासायनिक क्रिया होती है, चार्जिंग जब करते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है, जो हम उसमें गंधक डालते हैं तो अम्ल बनने के कारण उसका क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट हमने निकाला है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज बढ़ जाना है। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो जैसे जैसे चार्ज होती है उसका विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। और बैटरी जब पूर्ण चार्ज होती है तो कैथोड जो उसका इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल समझते हैं, तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी निकलने लगती है। अगला पॉइंट है कि बैटरी का प्रति सेल वोल्टेज 2.2 वोल्ट हो जाता है। बैटरी हम उसको कहते हैं जो कई सेलों को जोड़ के बनाते हैं, तो एक्चुअली एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2.2 चार्ज जब होता है तब होता है। तो इस तरीके से अगर हमने से 6 सेलों को जोड़ा है तो बैटरी हो गई, 3 सेलों को जोड़ा है तो वो बैटरी हो गई। तो इस तरीके से प्रति सेल यानी एक सेल का वोल्टेज जो है चार्ज होने पर 2.2 वोल्ट हो जाता है। और प्रत्येक सेल का आपेक्षिक घनत्व यानी एक सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो सेपरेट होते हैं। एक बड़ी बैटरी है 12 वोल्ट की अगर मान लिया जाए तो उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे में भरा होता है, सेल वाइज। यानी अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 6 सेल उसमें हम बनाते हैं, तो 6 सेल का मतलब वो बिल्कुल ही सेपरेट होता है और सेपरेट ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो प्रत्येक सेल का आपेक्षिक घनत्व जो है 1.26 हो जाता है। ये तो रहे चार्जिंग की स्थिति। अब डिस्चार्जिंग स्थिति में क्या पॉइंट है कि डिस्चार्ज स्थिति में गैस निकलने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन कैथोड पर और एनोड पर जो ऑक्सीजन का गैस का बुलबुला निकलता हुआ दिखता है वो बंद हो जाता है डिस्चार्जिंग स्थिति में। अगला पॉइंट जो है इसका यह है कि वोल्टेज प्रति सेल जो 2.2 वोल्ट चार्ज होने पर होता है वो डिस्चार्ज होने पर 1.8 रह जाता है, 1.8 रह जाता है। इसके बाद सेल का इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व तो है वो 1.21 रह जाता है, जो चार्ज होने पर ज़्यादा हो जाता है 1.26 और डिस्चार्ज होने पर 1.21 हो जाता है। दोनों प्लेटों का रंग का बात किया जाए तो दोनों प्लेट का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है डिस्चार्ज स्थिति में। जबकि चार्ज स्थिति में क्या आपने देखा कि चार्ज स्थिति में
जो पॉजिटिव प्लेट है वो गहरा भूरा हो जाता है और जो निगेटिव है वो स्लेटी हो जाता है, जबकि डिस्चार्ज स्थिति में दोनों प्लेट एक जैसे हो जाते हैं वाइट सफ़ेद। बैटरी का विद्युत वाहक बल भी कम हो जाता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसके वोल्टेज तो घटेंगे ही, तो उसका विद्युत वाहक बल भी कम हो जाता है। तो ये इतने पॉइंट जो हैं हमने इसमें नोट किए हैं कि बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के स्थिति में बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट या प्लेटों या वोल्टेज की स्थिति क्या रहती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट में लिखें, या जो डाउट हुआ करे उसको कमेंट में लिखें, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।